अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप मेरा गुरूर है, मेरा गुरूर कभी टूटने मत देना, चाहे कयामत क्यों ना आ जाए। आप मजबूर मत होना, हमारे रिश्ते को कभी बिखरने मत देना है तर, वरना मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। भाभी, कायनात, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? भाभी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं नहीं जी पाऊंगी। हफीज किसी और से निकाह कर रहा है, सच बताइए। ये क्या बोल रही हो तुम? हफीज किसी और से निकाह क्यों करेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? झूठ मत बोलिए भाभी, आप जानती हैं कि बात सच है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? आपकी कसम भाभी, मैं अपनी जान दे दूंगी। बहुत जल्द दुआ को हमारे मनसूबों के बारे में पता चल जाएगा हफीज, और उसके पहले हमें इस काम को अंजाम देना होगा। कायनात के पास ऐसी झूठी खबर कहीं अम्मी या हफीज ने तो नहीं पहुंचाई? दोनों किसी मंसूबे के बारे में बात कर रहे थे, इसका मतलब ये था कि मंसूबा कायनात को मोहरा बनाकर हैदर के घर से बदला लेना है। अभी बोलिए ना, आपकी चुप्पी ये बयान कर रही है कि ये बात सच है। नहीं रह सकती, मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। पागल मत बनो कायनात, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं क्या, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है भाभी, और आप कह रही है कि मैं फिक्र ना करूं? हफीज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाभी? उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, उसके लिए अपना घर छोड़ने को तैयार हूँ, उसके साथ भागने को तैयार हूँ मैं। कायनात मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें किसी और की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पीर बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? हम तो अभी आए हैं, चलिए अंदर चलिए। अब रहने दीजिए आपा, मेरे साथ जो सुलूक हुआ है इस घर में आज तक कभी नहीं हुआ। अगर मैं इस घर में रुक गया तो खुदा की बहुत मार पड़ेगी मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? आपा, जो आपकी बहू है हिना बेगम, मेरे जज्बातों के साथ खेला। माफी चाहती हूँ कि मैं बीच में बोल पड़ी, दरअसल बात ये है मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की गोद हरी भरी हो जाए। आप मेरी दूसरी बहू से मिली। गजल, आओ नीचे आओ, पीर बाबा से मिल लो, दुआ सलाम कर लो। सलाम वालेकुम पीर बाबा। तुम्हें तो जानू में भी जगह नहीं मिलेगी हिना बेगम, तुमने हैदर को गुमराह करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। पीर बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आप ये लेते जाइए। आपके अख्तर खानदान को नजर लग गई है, वो जो हैदर की दूसरी बीवी है वो शैतान है, वो पूरे खानदान को निकल जाएगी। ना वो इस खानदान के लिए सही है और ना हैदर के हक में। अगर आप इस घर को नहीं बचा सकती तो कम से कम उस नेक दिल इंसान हैदर को ही बचा लीजिए। वो लड़की किसी खास मकसद से यहाँ आई है और वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।